दोस्तों यहाँ पर परसों चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में रेडमी ने उनके तीन नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया है रेडमी के 50 सीरीज में। और यहाँ पर एक स्मार्टफोन रेडमी के 40S के नाम से लॉन्च हुआ है जो कि यहाँ पर आपको लगभग 20,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है वहाँ पर। और ये स्मार्टफोन मतलब काफ़ी किलर है। अब आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी के 40S स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च के बारे में। इसका जो इंडिया लॉन्च है वो 100% यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो फाइनली वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूं रेडमी के 40S स्मार्टफोन के बारे में तो स्मार्टफोन काफी दमदार है। आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 काफी कम प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले। अब बात आती है, काफी लोग पूछे थे कि भाई ये स्मार्टफोन इंडिया में कब आने वाला है, तो यहां पर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है पोको F4 5G के नाम से। ये चीज यहां पर 100% कंफर्म हो चुकी है। पोको इस स्मार्टफोन को रीब्रांड करेगा। मैंने आपको कहा भी था कि पूरा पॉसिबल है कि पोको इस स्मार्टफोन को रीब्रांड करके ही लॉन्च करे। अब यहां पर ये स्मार्टफोन पोको F4 5G के नाम से आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। E4 एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक हाइलाइटिंग पॉइंट है इस स्मार्टफोन का। 4500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। 67 वाट का चार्जर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और कंपनी क्लेम करती है कि ये जो स्मार्टफोन है वो 38 मिनट में ही 100% चार्ज हो जाएगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलता है। IMX582 का जो सेंसर है वो देखने को मिलता है F1.8 अपर्चर के साथ में। OIS बेस्ड ये जो कैमरा है वो यहाँ पर आता है। उसके साथ में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। तो ये जो स्मार्टफोन है काफी किलर स्मार्टफोन है और कहा जा रहा है कि इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है वो 20,000 से नीचे की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होने वाला है। अंडर 20,000 ये जो स्मार्टफोन है वो पोको F4 5G के नाम से लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर इस प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन आता है तो ये जो स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा किलर निकल करके आ जाएगा। अब बात करें इस स्मार्टफोन के लॉन्च के बारे में तो इसका जो लॉन्च है वो बहुत जल्दी होने वाला है। पहले ये जो स्मार्टफोन है वो ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे और यहां पर ये जो स्मार्टफोन है ग्लोबल लॉन्च के लिए यहां पर ऑनलाइन स्पॉट भी होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिससे ये चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि पोको बहुत जल्दी यहां पर तैयारी कर रहा है पोको F4 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए। और पॉसिबल है कि अप्रैल वगैरह के महीने में ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में भी आपको पोको F सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में? क्या आप इस स्मार्टफोन का इंडिया में लॉन्च होने के लिए वेट कर रहे हैं? अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।